सुना है, गीत भी सुना है और जवाब भी सुना है। वाकई में बहुत लाजवाब जवाब आया है आपकी ओर से। क्या हुआ संजय भैया, अभी मजा नहीं आ रही है कुछ? जवाब आपकी ओर से इसलिए मुझे अच्छा लगा है कि मैंने बताया माता ललितांबा ने भंडासुर का वध किया है, आपने कथानक बताए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि आपने ये बताया है कि जिस अस्त्र से, जिस शस्त्र से उस भंडासुर का वध किया है उसका आपने नाम बता दिया है, यानी कामेश्वर अस्त्र शस्त्र। बढ़िया प्रयास आपका, अच्छा प्रयास है, इसी को कहते हैं जवाब। क्योंकि अपना अपना गीत तो हर कलाकार अच्छा गाता है, और क्या दादाजी, अगर जवाब आ जाए तो समझ लेना चाहिए कलाकार मेहनत कर रहा है। और फिर मेहनत, हमारे किशन भैया तो वैसे भी पीछे नहीं है, इनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, नहीं हमारे बड़े भैया हैं, बहुत अच्छा लगता है, कई सालों में मिलना होता है लेकिन इनसे जब कार्यक्रम होता है तब अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कई सालों में मिलना होता है लेकिन इतने सालों से हम गा रहे हैं भैया, ये दूसरा कार्यक्रम है मेरा, जय हो, ये दुर्भाग्य ही कहेंगे, लेकिन आज के दिन का सौभाग्य है कि रात्रि अच्छी कटेगी। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है, गीत आपने बहुत अच्छा दिया है, मैं भी प्रयास करूंगी कि जो आपने गाया है शायद कहीं से जवाब आ जाए, क्योंकि कलाकार जब गीत लिखता है तो सालों उसका मंथन करता है फिर रचनाकार की कलम चलती है। तो आइए मैं भी प्रयास कर रही हूँ आपके बड़े ही सुंदर से गीत का कहीं से मैं जवाब दे दूं, क्योंकि गीत का जवाब देना है, आप हमसे बड़े हैं, आपको तो जवाब दे नहीं सकते, लेकिन गीत आपने बहुत सुंदर गाया है। आइए सबसे पहले मैं तर्ज बता दूं, हालांकि जरूरी है आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर हम गलत गा रहे हैं या सही गा रहे हैं। आइए तर्ज बहुत अच्छी, भैया मेन माइक की आवाज बढ़ाइए, कम हो गई है। हेलो 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 हेलो, जैसे पहले चक्र में था वैसे सेट करिए आप, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, डरिए नहीं, सवेरे पेंशन बन जाएगी, सवेरे तक पेंशन आपकी पक्की है, पक्का। हेलो 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 चेक, हेलो कैचिंग बनाइए, हेलो हेलो हेलो, ये बात ऐसे ही बिल्कुल ढोलक सेट कर दीजिए और मजा आ जाएगा जी। देखिए हम बोल रहे हैं जब तक हमें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बेकार है, ढोलक वाला बजा रहा है लेकिन उसको जब स्वयं में सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर सुनने वालों को कैसा लगेगा। निवेदन एक ऐसा था बस वैसे बना दीजिए, मेरा श्री नारायण याद करे आपको ऐसा बना दीजिए। बेस बढ़िया है, बस चाटी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, देख लीजिए हो जाए तो, वरना रात तो हमें भी काटनी है और आपको भी काटनी है। आइए तर्ज आपने बहुत अच्छी गाई है, बस नियम अनुसार अपनी ओर से कार्यक्रम बढ़ा रही हूँ, पहले आपकी तर्ज फिर आपके मर्ज को फिर मर्ज का इलाज यानी जवाब के रूप में मैं आपको दूंगी, प्रयास कर रही हूँ, तर्ज आ जाए, सुनेगा आपने गाया। अरे प्रेम की गली में
सही कांटों से सजा देंगे। तो झिलमिल अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिम झिम बरसता सावन, और ये 101 रुपए का आशीर्वाद मैं कहूंगी, क्योंकि देवी स्वरूपा हमारी भतीजी है जो कार्यक्रम आप लाइव देख रहे हैं। केएस म्यूजिक स्टूडियो इसकी मेन जो ऑपरेटर है, मालकिन है हमारी भतीजी कशिश सिंह राठौर, उसके कर कमलों द्वारा ये 101 रुपए आए हैं। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं उसको देती हूँ। माता रानी उसके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, कभी कोई दुख ना आए, बस यही मैया से प्रार्थना है, विनती है। आइए, बहुत सुंदर गीत आया है। अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, अरे झिमझिम बरसता सावन, किशन भैया आपने कहा मैंने अपने गीत में जननी लिया है, तो मैंने सोचा पूरे गीत में जननी चलेगा, लेकिन पहली अंतरा में आपने जननी लिया है। आइए, आपकी पंक्ति कह रही थी, अरे मर्दों से पैदा अगर लालन होगा तो सृष्टि का कैसे संचालन होगा, नारी के कानों से लालन होगा तो सृष्टि का कैसे संचालन होगा, बालों से लाल चंद्र पैदा लालन होगा तो सृष्टि का कैसे संचालन होगा। हुआ, बढ़िया बात। किशन भैया आप हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूं, क्योंकि आप का एक अलग स्थान है कीर्तन जगत में। सोचिएगा क्या ऐसा हो सकता है भैया, मर्दों से लालन पैदा हो सकता है, कानों से लालन पैदा हो सकता है, बालों से लालन पैदा हो सकता है। अरे अगर कभी हुआ हो तो एक बार अपवाद हो गया, वो भी साधारण नहीं, ये सारे कार्य देवी देवता राक्षस करते हैं, ये साधारण मानवों की औकात नहीं है। भैया जी साधारण हमारी और आपकी औकात नहीं है कि कानों से हो जाए, मुंह से हो जाए, बाल से हो जाए। लेकिन चलिए अब समस्या है, गाने वाले किशन भैया हैं, लिखने वाले दीक्षित जी हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बिल्कुल, क्योंकि घर का मामला पड़ जाता है। आइए जवाब सुनिएगा, मैं कहां से ला रही हूं, जो हो सकता है वो मैं प्रयास कर रही हूं। भैया जी प्रबुद्ध जनमानस एकत्रित है, जवाब की जवाबी होती है, और मेरा मानना है अगर जवाब एक पंक्ति में आ जाए और जनता की ओर से बस ऐसे ही कुछ वापसी मिल जाए तो समझ में आ जाता है कलाकार थोड़ी मेहनत कर रहा है। मैं प्रयास कर रही हूँ जवाब सुनने का। पहली बात दे रही हूँ आदरणीय भैया, आपने अपने गीत में जननी लिया है, जननी, अब मैं भी प्रयास कर रही हूँ, जवाब कहाँ से ला रही हूँ, निवेदन करूंगी सुनने वाले भैया दद्दा लोग हैं, एक एक पंक्ति सुनेगा आप लोग। भैया जी ध्यान कहना है, मैंने सुना है भैया, अरे साजन सचनी की सृष्टि का Come on, come on, come on.
का बहुत, क्योंकि समय निर्धारित किया है, मैं प्रयास करूंगी समय कम काम ज्यादा हो जाए, ध्यान दीजिएगा। अरे साजन सजनी की सृष्टि का सत्ताधारी साजन है, है? सुनिएगा कैसे। और साजन की सजनी मन हरनी, साजन की सजनी मन हरनी, तो मन हारी साजन जी। अरे साजन की सजनी संपत्ति बिल्कुल है भैया, अरे साजन की सजनी संपत्ति जिसे का अधिकारी साजन है, और साजन पे सजनी और सजनी पे बलिहारी साजन है। क्योंकि जरूरी है भैया, हर चीज का जोड़ा है, आप कह रहे मर्दों से ना हो ही नहीं सकता, जब तक सजनी नहीं है और साजन नहीं है तो फिर लालन कहां से होगा। जब हुआ तब हुआ, धन्यवाद। अब देखिए जरूरत पड़ी है पति पत्नी की, सुनेगा क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, पढ़ने में मिला है कि चौथे पन पाए सुतचारी। राजा दशरथ के बुढ़ापा आ गया है लेकिन पुत्र नहीं हुआ, चाहते तो कर लेते अकेले, लेकिन कैसे भैया, यज्ञ कराया, ऋषियों ने कहा आपको यज्ञ कराना पड़ेगा, जब यज्ञ करवाया अग्नि देवता ने जब खीर का पात्र दिया और पात्र लेकर जब रानी के पास राजा पहुंचे, अकेले नहीं रानी का सहयोग लेना पड़ा है भैया, जब लेना पड़ा तो मेरी पंक्ति कहती है, आप कह रहे हैं मर्दों से कान से बाल से, लेकिन पहली बात दे रही हूं मैं भैया, अरे खीर से पैदा देखो, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और साथ में बजरंगबली को भी कह सकते हैं, कहना है अरे खीरे से पैदा देखो, अरे लालन होगा खीरे से पैदा देखो, अरे लालन होगा तो सृष्टि का ऐसे संचालन होगा। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि रानी का सहयोग लेना पड़ा है इसीलिए, अरे खीरे से पैदा देखो लालन होगा तो सृष्टि का ऐसे संचालन होगा। अब द्वापर में खीरा से पैदा, खीरा से पैदा देखो, अरे लालन होगा तो, अरे सृष्टि का ऐसे संचालन बात मैं आपको बता रही हूं भैया। ऋषियों ने निम के मृत शरीर का मंथन किया, ऋषियों ने निम के मृत शरीर का जब मंथन किया जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, देहहीन निम के कारण उनका नाम विदेह पड़ा। बिल्कुल भैया जी, और शरीर के मथने से जनक जी का भी जन्म हुआ है, वही है इसलिए उनको विदेह कहते हैं। अब देखिए दूसरी बात ला रही हूं, और कहां से ला रही हूं, प्रयास कर रही हूं मैं, अरे मर्दों ने है मृत शरीर को, come on
जननी लगाया तो मैंने सजनी लगाया, दूसरा आपने नारी लगाया तो मैं मर्द लगा रही हूँ। सुनेगा आज मर्दों ने हेमत शरीर को ऐसे बता है मर्दों ने, अरे मर्द से ही मृत शरीर से जन्म लिया है मर्दों ने। लेकिन अरे मर्द कैसे जन्म है देता भैया, ये मर्द कैसे जन्म है देता, अरे मैंने सुना ना मर्दों से, जो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता भैया। अरे मर्द का कोई दर्द क्या समझे, मर्द का कोई दर्द क्या समझे, ऐसे दिखते मर्दों से। लेकिन मर्दों अरे मृत शरीर से भी अरे लालन होगा राजा जनक, मृत शरीर से भी अरे लालन होगा तो अरे सृष्टि का ऐसे संचार होगा। ये आप हैं भैया राम जी, सोनी भैया आपकी ओर से ये 51 रुपए मेरे लिए और 51 रुपए हमारे साथ जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं भैया श्री नारायण जी के लिए आए हैं, भैया को कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया से, मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आप हैं आगामी प्रधान प्रत्याशी आदरणीय सम्मानी बड़े भैया श्री पवन द्विवेदी भैया को रहना, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है। बस मैं भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप जल्दी से प्रधान बन जाएं और बनकर हम दोनों लोगों को फिर से बुलाएं, बिल्कुल, और केएस वालों को तो जरूर बुलाएं। और आप हैं भैया श्री मानो बुआ पुलिस लाइन हमीरपुर, आपकी ओर से 51 रुपए और ये 21 रुपए कीर्ति जो कि बच्चे की दादी जी यानी हमारी मम्मी जी है, आदरणीय हमारी माता जी की ओर से भी 21 रुपए आए हैं, मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। 51 रुपए गोपी सैनी PWD को रहना, आपकी ओर से 51 रुपए आपकी ओर से 51 रुपए सुरेश श्रीवास जो कि आप बच्चे के दादाजी यानी अदानी पिताजी की ओर से ये आशीर्वाद आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हैं श्री हुकुम सिंह भैया हमीरपुर मुन्नीलाल बेलाताल, आपकी ओर से ये बच्चे के निछावर हमारे लिए यानी 51 रुपए का आशीर्वाद है, भैया को कोटि कोटि धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। अब आइए एक और आशीर्वाद आया है भैया की ओर से, आप हैं भैया श्री मुन्नी लाल भैया, आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं, भैया को कोटि कोटि धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है, धन्यवाद है। अब देखिए एक और अच्छी बात मैं आपको दे रही हूँ भैया जी, अंतिम बात देखिएगा और मुझे ये बात कलयुग से लानी पड़ रही है भाई जी, क्योंकि मैंने पढ़ा 1308 ईस्वी काशी जन्म लिया था, विधवा से था जन्म जुलाए, माता नीरू ने पाल लिया था, यहाँ पर पिता नहीं है, मर्द नहीं है यानी साजन नहीं है, माता है। सुनिए पुत्र का नाम आप लोगों को बता रही हूँ, पुत्र है कबीर दास जी, ध्यान दीजिएगा। अरे विधवा से विपरीत विधाता, विधवा
हुआ कहना पड़ा। अरे विधवा से विपरीत विधाता ऐसी सूरत विधवा है, और विधवा का है तिरस्कार इस समाज से, विधवा का है तिरस्कार और शुभ मुहूर्त क्योंकि कहते हैं भारत की नारियों का श्रृंगार है सिंदूर, शादी सुधा सुहागन की पहचान है सिंदूर, अवलाओं की बस यादगार है सिंदूर, और हर कुंवारी के दिल का अरमान है सिंदूर। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, सुनने का कहना पड़ा मुझे। अरे विधवा जाने जग में जिसकी नहीं जरूरत विधवा है, और विधवा पतिता पति विमुखा, विधवा पतिता पति विमुखा पत्थर की मूरत विधवा है। सिंदूर लग जाने से सब कुछ, चुटकी भर सिंदूर हट जाने से कुछ नहीं, इसलिए कहना है। अरे विधवा से उत्पन्न जो अरे लालन हो भैया, अरे विधवा से पैदा भी अरे लालन होगा भैया, और हुआ नहीं, हुआ वो होगा नहीं, वो तो हो चुका, और आगे भी कहना है मुझे। विधवा से पैदा अरे लालन हुआ है तो, अरे सृष्टि का ऐसे